अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। भाभी दरवाजा खोलो। तो देवर जी अब खाओ पेड़े। दरवाजा खोलो ना भाभी। हाँ, थका दिया। अरे ये क्या, मैंने तो इन्हें बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आ गए? जाने दो, मैं थक गई हूँ। कहाँ कहाँ से चल आती है? ए बोला, इनको दो सेट पेड़े दो, यहाँ जलेबी दो पाव से, चलो फटाफट। अरे भाई ये बर्फी कितने में दी, अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ अभी जरा सी चखने मिलेगी। बर्फी का कहाँ गई? हाँ ये रही ताजी बर्फी, ये लो आपकी बर्फी। हाँ आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियाँ लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले पैसे हैं। वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? सोने की अंगूठी? इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, अंशाम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ? अरे दे 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 दे, इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है, हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा एक अंगूठी में बस बाहर वाली आएंगी, अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूँगा। बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया, घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ, तो क्या ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। बेवकूफ, मुझे ठंडा करना सिखाता है यार, तू अपना काम कर मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। आज तो जिंदगी बन गई मेरी, बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा घसीटा, इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया, अब आज कोई मिठाई विठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना, कल कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ जाइए जाइए, धन्यवाद। पिताजी लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है, देखिए पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं, घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी,
बच्चा है, गलती हो जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ, गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है, बताओ घनश्याम ने क्या किया है। तुम भी खाओ, लो खाओ खाओ, तुम भी खाओ। मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी, मेरा तो पेट फटने फटने को हो रहा है। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मजा आया। पिताजी, घनश्याम ने अंगूठी चुराई है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, वो रहा घनश्याम। मिठाइयां थोड़ी ही बची है भैया, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। लो लो, तुम भी खाओ खाओ खाओ। मिठाई छोड़ो, ये बताओ अंगूठी कहाँ है। कौन सी अंगूठी, कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या, कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ तू सच सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया, बता।